स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों का है सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बीपी का ही पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि ये बीपी का ही पार्ट नहीं है और ये बीपी का ही पार्ट है और सॉल्व करते समय उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट मीन्स एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पाने के लिए हमारी एक टारगेट सेल्स क्या होती है, यानी एक फिक्स प्रॉफिट हमें अगर अर्निंग करनी हो तो उसके लिए हमारा सेल्स क्या बनेगा, उसको सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में क्योंकि आप लोग पीजी लेवल के हैं। तो पहला फॉर्मूला है सेल्स इक्वल टू एफसी प्लस डीपी इनटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल। एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट, डीपी यानी डिजायर प्रॉफिट, एस फॉर सेल्स और वी फॉर वेरिएबल। सेकेंड फॉर्मूले में है सेल्स इक्वल टू एफसी प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशियो। एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट, डीपी यानी डिजायर प्रॉफिट। पीवी रेशियो पे हम लोग डिस्कशन अच्छे खासे कर चुके हैं, पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पांच पांच होमवर्क थे। नेक्स्ट है सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एसपीयू यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस इन तीनों फॉर्मूले पे, ठीक है, क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन एक बार हम रीड कर दे रहे हैं, कैसे सॉल्व किए वो भी बता दे रहे हैं आपको। कैलकुलेट सेल्स इन रुपीज फॉर डिजायर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है फिक्स्ड कॉस्ट 25,000, वेरिएबल कॉस्ट 250,000, सेल्स रुपीज 5 लाख, डिजायर प्रॉफिट 20,000। तो जैसा क्वेश्चन में कंडीशन है वैसा हमने फॉर्मूला पुटअप किया। फिक्स्ड कॉस्ट के जगह फिक्स्ड कॉस्ट पुटअप कर दिया, डिजायर प्रॉफिट के जगह डिजायर प्रॉफिट, सेल्स के जगह सेल्स, और इसको सॉल्व करने पर फाइनली आंसर इसका रुपीज 90,000। सेकेंड क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 40,000, डिजायर प्रॉफिट 30,000 एंड पीवी रेशियो 40%। तो इसके लिए फॉर्मूले पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया है, इसलिए फॉर्मूले भी हमने पीवी रेशियो का यहाँ पे पुटअप किया। तो सेल्स इक्वल टू 40,000 प्लस 30,000 इंटू 100 अपॉन 40, जो जो वैल्यू चाहिए था वो क्वेश्चन से हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया और इसका फाइनल आंसर 1,75,000। थर्ड क्वेश्चन सी नंबर का, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज पर यूनिट और डिजायर प्रॉफिट 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है पर यूनिट के हैं इसलिए फॉर्मूला भी पर यूनिट के लगेंगे। तो सेल्स इक्वल टू एफसी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। क्वेश्चन में सबसे टेक्निकल पॉइंट यह है कि कहीं भी हमारे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं दिया गया है और फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो इसलिए हमने नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाल दिया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको डिस्कशन कर दे रहे हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल, तो सेलिंग प्राइस 20 रुपीज है और वेरिएबल 12 रुपीज है, इसलिए 20 माइनस 12 माइनस कर दिया तो 8 रुपीज पर यूनिट आ गया। और फार्मूले में जहां जहां जो जो वैल्यू चाहिए था वो पुटअप कर दिया और फाइनल आंसर इसका 2 लाख रुपीज। ठीक है, तीन फार्मूले तीन क्वेश्चन, मगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए हैं क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल है। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000 रुपीज, सेल्स 4 लाख रुपीज और डिजायर प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। ठीक है, फॉर्मूला है एफसी प्लस डीपी यानी डिजायर प्रॉफिट इनटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे क्वेश्चन में डिजायर प्रॉफिट रुपीज में है ही नहीं, जबकि फॉर्मूले में डिजायर प्रॉफिट चाहिए। तो टेक्निकल पॉइंट ये फंस गया कि डिजायर प्रॉफिट चाहिए और डिजायर प्रॉफिट है नहीं, लेकिन हिंट है कि डिजायर प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स, तो हम डिजायर प्रॉफिट 15% चार्ज कर दिया सेल्स का, 4 लाख का 15% चार्ज कर दिया 60,000 रुपीज, और इस तरीके से हमने सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, जो जो वैल्यू चाहिए था वो पुट अप कर दिया। इस तरीके से सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट के चार क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। ठीक है, फार्मूले बेस है, फार्मूले याद होने चाहिए एग्जाम में, और फार्मूले अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही फॉर्मूले याद हो जाते हैं। और फॉर्मूले से सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका अपना माइंड यूज करेगा कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं,
क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 1,60,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000, सेल्स 8 लाख और डिजायर प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। क्वेश्चन जैसे ऊपर है वैसे ही है, मगर उनके पैटर्न सेम नहीं है, क्वेश्चन के सिक्वेंस हमने चेंज कर दिए हैं। इसलिए किन क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीन फॉर्मूले हैं, उसमें से कौन सा किस में लगेगा, ये आपको अपने माइंड से यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट 1,20,000, सेलिंग प्राइस 40 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपीज पर यूनिट, डिजायर प्रॉफिट 4 रुपीज पर यूनिट। और थर्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, डिजायर प्रॉफिट 60,000 एंड पीवी रेशियो 40%। क्वेश्चन नंबर फोर, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख, सेल्स 10 लाख और डिजायर प्रॉफिट 40,000 रुपीज। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा ये क्वेश्चन आपको आएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं आएंगे। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क इसको सॉल्व करके इसकी सॉल्व कॉपी की व्हाट्सएप हमें सेंड कर दीजिएगा, जिससे इसका आंसर हम टैली कर लें और आपको बता दें आप सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। ठीक है, कल भी क्वेश्चन दिए जाएंगे और कल आपको थ्योरिकल के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में आने लायक रहेंगे, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।